हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आ गई हूँ आपकी मनु। कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरा टाइटल देखा ही होगा, आपने देख ही लिया होगा, तो ये है मेरे मायके का घर। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके कोलकाता। कोलकाता मतलब मैन कोलकाता में ही है, थोड़ा सा अटके है। तो ये ना मेरा मायके का घर जैसे दिख रहा है, अभी हमने दिखाया ना ऊपर फ्लोर तक हुई। तो सामने अंकल जी आ रहे थे, तो हम यहाँ टैक्सी से उतर के जा रहे थे। पापा हमें वहीं लेने आ गए थे रोड पे ही। रोड से बस 2 मिनट है, यहाँ मेरा घर है। तो ये लोग अंदर घुस गए, वो चाचा जी थे मेरे जो अभी दिखाई दिए थे, वो मिलने आ गए थे मुझे देखते ही। ये मेरी मम्मी खड़ी हैं और जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, एक लड़की को अपने घर पहुंच के, अपने मायके पहुंच के कितनी खुशी होती है, बस वैसी ही खुशी मुझे हो रही थी। 2 साल के बाद आई हूँ मैं पूरा यहाँ। और ऐसा नहीं है कि घर में पानी नहीं है, नल नहीं है, सब कुछ फिट है, मोटर वगैरह है, सब पंप वगैरह सब कुछ है, बट यहाँ एक बाहर ही नल लगा रखा है। तो जैसे हम लोग आए थे 3 दिन का सफ़र करके, इतने मतलब थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो हमने यहाँ पर ठंडे ठंडे पानी से पापा नल चला दो, सबने मुँह हाथ धोया वगैरह। मम्मी आरती के लिए खड़ी हुई थी हमारी, और मैं पूरे 2 साल के बाद आई हूँ, और अभी भी मेरा ना आना करके आना हुआ मेरा कुछ इस तरह से। वो कैसे हुआ वो मैं बताऊंगी आप सबको बाद में। तो यहाँ मम्मी आरती उतार रही थी बच्चों की, इसको यहाँ दोनों मामा भांजी तीनों मस्ती कर रहे थे। मेरा भाई बोला था नहीं, पहले मेरी होएगी फिर तेरी होएगी, पहले घर का बेटा मैं हूँ, ऐसे करके ये लोग सब मस्ती कर रहे थे। यहाँ बच्चों ने मम्मी के पैर छुए, तो फिर मुझे भी बुलाने थी। मेरा बेटा बोला दो मम्मी फ़ोन मुझे दे दो, आप ये करो। तो फिर मम्मी बोले चले पहले प्रसाद खा ले उसके बाद करना। तो फिर इन लोग को मम्मी ने प्रसाद दिया और आरती उतारी, और सच में दिल से इतना मतलब अच्छा लग रहा था यार, किस लड़की को अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ये शादी रिवाज किसने बना दिया है, क्यों मतलब जिनके घर में जन्म लो, जिनके घर में पैदा हो, बचपन से लेके बड़े हो जाओ और फिर शादी करके किसी और के घर चले जाओ, यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो सोचती हूँ अच्छा ही है, मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी। मुझे सच में बेटी का बहुत शौक है अभी भी। मैं किसी की भी लड़कियों को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत प्यार आता है, बहुत प्यार करती हूँ, मुझे लड़की की बहुत चाहती मेरे घर में भी। बट अब मैं सोचती हूँ अपने आप को देख के, किसी और को देख के, जब ऐसा ही है मतलब छोड़ देते हैं चले जाते हैं, तो लड़की नहीं दे, अच्छा ही मुझे लड़की नहीं दी, शायद मैं नहीं कर पाती अलग। ये है नीचे का फ्लोर, ये हमारा घर, ये है हॉल, और सिर्फ 3 जन रहते हैं, मम्मी पापा भाई। तो मम्मी ने सब कुछ हॉल में ही डाल रखा है, बेड वगैरह कुछ मतलब ऐसे सेटिंग वगैरह कर नहीं पाते, मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। और यहाँ आते ही सबको लगती थी भूख कड़क की, तो यहाँ मम्मी ने पूड़ी वूड़ी सब मतलब करके रखा था, आलू की सब्ज़ी। तो हमने पहले वो खाया, मुँह हाथ तो धो ही लिया था, फिर अच्छे से सबने धोया, साबुन वाबुन से हैंड वॉश भी कर लिए थे हैंड वॉश से, और उसके बाद फिर खाया। फिर थोड़ी देर बात करें नीचे, और फिर हम आ गए ऊपर के फ्लोर पे। तो ऊपर का फ्लोर पे मम्मी ले आई कि चल, मतलब ऊपर का फ्लोर पहले भी बना हुआ था, बट ये प्लास्टर वगैरह और ये सब मतलब फ़र्श वगैरह नहीं था, लाइटिंग वगैरह नहीं कराई थी, तो अब भी सब कंप्लीट करवाया। वैसे तो मुझे फ़ोन पे सब दिखाया ही था, ये मंदिर है हमारा, तो पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं। मैं अंदर तो नहीं गई थी क्योंकि नहाई नहीं थी, मैंने कहा नहा के जाऊँगी दर्शन करने। और ये सब मम्मी दिखा रही थी कि देख कैसे करा लिया है, वैसे करा लिया है, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, अच्छा लग रहा था काफ़ी, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसलिए भी पूरा मतलब फर्नीचर पहले का जितना था घर में, वैसे उतना ही ऊपर सेट कर दिया है, बाकी का अभी कुछ ऐसा नहीं किया है, लिया नहीं है नया फर्नीचर। तो अब सब धीरे धीरे लेंगे फर्नीचर वगैरह सब करेंगे। फर्नीचर वैसे हर रूम में बेड वगैरह सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, बस जैसे सोफे वगैरह सब लेंगे। पहले थे सोफे तो वो बेच दिए मम्मी ने, 2-3 जोड़ा थे तो वो सब बेच दिया। यहाँ देखिए लंगूर हैं, और ये जो घर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पड़ा हुआ अल्बेस्टर, यहाँ तो अल्बेस्टर बोलते हैं टीन, मतलब पहले हम इसी में रहते थे। इसमें रहते रहते हमने ये घर बनाया था अपना, ये पूरा प्लॉट लिया था पापा ने, तब हमने ये घर बनाया था। बहुत हमने भी तकलीफें अपनी लाइफ में बहुत सही हैं, बहुत कुछ स्ट्रगल किया और अभी तक करते ही आ रहे हैं। तो ये रहा मेरा मायके का कुछ घर, ऐसा है ऐसे बनाया। ये भाई दिखा रहा था, मैं भी दिखा रहा था, ये रही आपकी मनु। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को मेरे मायके का घर पूरे अच्छी तरह से। तो पहले भी मैं आई थी, तो पहले भी मैंने अपने घर का हाउस टूर आ रहा था, और यहाँ देखिए मौसम इतना अच्छा हो रखा था, पहले जब नहीं आए थे इतनी गर्मी थी, और यहाँ इन लोग की तो मस्ती अलग चालू हो गई थी। और यहाँ ना ग्रीनरी ज़्यादा, थोड़ी हरियाली ज़्यादा है, थोड़ा सा बाहर साइड है कोलकाता से, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बाहर साइड में लगा हुआ, तो यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है बहुत, मतलब सब यहाँ पेड़ पौधे सब लगाते हैं, हरियाली बहुत है यहाँ पे। तो हमारे भी लगे हुए हैं, हमारे भोले बाबा, ये देखिए ये गली में हमारे पूरे सुपारी जो होती है ना पान के साथ जो सुपारी खाते हैं, ये सारे पेड़ लगे हुए हैं हमारे। और ये रहा हमारा जाम का, जिसने मम्मी ने नींबू मिर्ची टांग दी है किसी की नज़र ना लगे, होता है ना एक चीज़ के लिए। तो मेरे को हंसी आ रही थी, मम्मी आपने क्या बताया, मम्मी के
घर धोनी में पहुँच गए थे। बस अभी सब नहा धोकर कर हटे हैं, घर कर लिया है। माफ की हमें कुछ भी पहने, मौसम यहाँ का बड़ा मस्त हो रहा है, हवा चल रही है और बादल हो रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। लग रहा है बारिश भी होगी, बहुत हरियाली है, बहुत सुकून मिल रहा है। जो भी हो, जितना भी हो ब्लॉग के जरिए शेयर करने की कोशिश करिए, बाकी का जितना भी होगा कुछ ट्यूटोरियल हाउस टूर वगैरह जो भी है मैं बाद में ब्लॉग आपको देख लूँगी, तो प्लीज़ वॉच करिएगा। जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मिलते हैं, टेक केयर। तो यहाँ देखिए, मैंने अभी बोला ही था, उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, खूब झमझमाझम, मैं बादल बादल दिखाए ही थे आपको, और यहाँ इसकी मस्ती शुरू हो गई थी मेरे मतलब बच्चों की। तो ये मस्ती कर, छोटू सबसे ज़्यादा मस्ती कर रहा है मेरा। ये सब नारियल के पेड़ हैं, फूल के पेड़ हैं, सब मैंने आपको दिखाया ही। और ये मेरे बेटे ने कुछ सीन लिए बारिश के, वो पता नहीं क्या क्या करते रहता है, मुझे तो ये सब आता भी नहीं है, वही सब करते रहता है। बहुत अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, तो उसने डाल दिए, बोला मम्मा मैं डाल देता हूँ। मैंने कहा डाल दो, वही ज़्यादातर मेरी वीडियो एडिटिंग करता है, कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ, तो थोड़ी सी मुझे हेल्प हो गई। अभी शाम का टाइम है, हम लोग सब सो गए थे उसके बाद में, क्योंकि इतने थके हुए थे। फिर शाम को चाय वाय बनाई थी मम्मी ने, पापा ने, तो हम यहाँ चाय वाय पी रहे थे और नमकीन वगैरह खा रहे थे। फिर आ गए थे हम छत पे, तो ये हमारा टेरेस, तो यहाँ से सब दिखाई देता है, देखो। तो हम यहाँ सब आ गए थे, ये दोनों की तो मस्ती बस चालू हुई रखी थी। मैं इनको डांट भी रही थी, किनारे पर मत जाओ, डर लगता है ना यार, वहाँ तो इतना ऊंचा टेरेस वगैरह पे हम जाते हैं नहीं, और यहाँ पे तो ये लोग मस्ती करते, तो फिर भी हैं रेलिंग मतलब बाउंड्री तो ऊंची ऊंची कर रखी है, बट फिर भी डर लगता है ना। मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा मैं डांट रही थी लोगों को, मैं सब आपको यहाँ दिखा रही थी, पेड़ वेड़ सारे, किस चीज़ के पेड़ हैं, कितनी ग्रीनरी है। हमारे भी नारियल के दो पेड़ हैं और सुपाड़ी के हैं, जाम मतलब अमरूद के हैं, जो इंदौर से हैं वो जानते होंगे जाम क्या होता है, यहाँ प्यारा बोलते हैं कोलकाता में तो। और ये ऊपर चढ़ने की तैयारी में थे, बोला मम्मा ऊपर चढ़ जाऊँ, वहाँ जो टैंकी रखी हुई है। मैंने कहा क्यों, क्या करना है? मैंने कहा चढ़, बोले यहाँ से चढ़ जा रहा हूँ, तो मैं उसको डांट रही थी यहाँ पर। मैंने कहा नहीं बदमाशी मत करो ज़्यादा, मैंने लंगूर है हमारे घर का, चढ़ चढ़ बोली इधर से चढ़ के बता, उधर से मत चढ़। तो वही, और वो अपनी मस्ती में चले जा रहा था, मेरा छोटा वाला तो अपने जुगाड़ में रहता, खाने पीने की जुगाड़ में। तो वो नीचे से जूस निकाल के ले आया था, रखा था लीची का जूस जो बोलता है, तो वो निकाल के ले आया था, बोले मैं ये पीऊँगा। तो मैंने कहा बेटा बहुत ठंडा है, थोड़ा सा रख दो, गर्म हो जाएगा उसके बाद पीना। बोले ठीक है। और यहाँ हम सब बस ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। भाई देखो चढ़ गया ऊपर, वो कुछ पानी की टंकी में पता नहीं क्या कुछ देखने गया था, क्या हो गया था पता नहीं मेरे को। और फिर ये लोग दोनों भी जिद करने लगे, तो फिर इन दोनों को भी उसने ले लिया था, बोले ठीक है आज जा, उनका देखना, उनका ख्याल रखना भाई। तो बोलता है कि हाँ मैं ख्याल रखूँगा। ये देखो यहाँ मामा भांजों की मस्ती हो रही है, यहाँ बोलते हैं ना नानी के घर में तो बच्चे बस फ्री हो जाते हैं सब फिक्र से दूर, क्योंकि मम्मी डांटेंगी नहीं, और अगर डांटेंगी भी तो नानी नानू हैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ। फिर वो जो अभी चाची आ गई थी, हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, तो ये मुझसे मिलने आ गई थी, उनके सामने वाला ब्रेक मत दबाना नीचे।